हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन क्रेकर्स। मैं पायल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल और इजी रेसिपी, पुदीना आलू लच्छा, जिसे आप चपाती, परांठा, किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर रेसिपी एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर माय पेज एंड माय चैनल ऑन यूट्यूब। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम ये लेंगे आलू लच्छा। ये आलू को हमने ये लंबे लंबे स्लिट्स में काट लिया है। इसको मैंने वॉश कर लिया है। हम एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई में हम 2 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल, सरसों के तेल को हमें पहले जलाना पड़ता है उसकी स्मेल के लिए, तो ये हम पहले इसको जला लेंगे। जब ये ज़्यादा गर्म हो जाएगा तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ये आप देखेंगे, अब हमारा जो ये सरसों का तेल है ये इस टाइम अच्छे से गर्म हो चुका है। और हम इसमें ऐड करेंगे, ये आप देखिए मैंने लिया कुछ कड़ी पत्ते, सूखी लाल मिर्च और ये काली सरसों। 1 टेबल 1 टीस्पून काली सरसों है, ये 8 से 9 पत्ते कड़ी पत्ता है। और ये 4 मैंने रेड चिलीज ली है, इसको मैंने हम इसे ऐड कर देते हैं। अब इसमें हम अपने जो आलू कटे हुए हैं हमारे अच्छे वाले, वो भी ऐड कर देंगे। ठीक है, और हम इसको 10 से 15 मिनट रखेंगे, तब तक हमारे आलू थोड़े से गल जाए। ढक दिया। अब इसको हम लो फ्लेम पे 5 से 10 मिनट्स रखते हैं। अभी 10 मिनट्स हो गए हैं, लेट्स सी। हम इसे कट करके देखेंगे। तो हमारे आलू मोस्टली डन हो गए हैं। अब हम ड्राई मसाला डालते हैं अपने। सॉल्ट, पहले हमने नमक डाला है 1 से 8 टीस्पून, रेड चिली 1 टीस्पून, कोरिएंडर पाउडर 1 से 1.5 टीस्पून, और हम डालेंगे अमचूर हमारा 1 टीस्पून। इसको हम मिक्स कर देंगे। तो अभी हम थोड़ी देर अपने मसाले को थोड़ा रोस्ट करने देते हैं। इसको 5 मिनट के लिए हम दोबारा से ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है। ये आलू हमारे बन चुके हैं। सिंपल इजी रेसिपी, आप कभी भी चाहें इसे बना सकते हैं। तो लास्ट में हम इसमें टॉप के ऊपर सूखा पुदीना लिया है। मैंने पुदीने को सुखा के रखा हुआ था, इससे फ्लेवर इसका इतना बढ़िया हो जाता है। और गर्मी के लिए वैसे ही पुदीना जो है हमारा बेस्ट है। सो हियर हमारी रेसिपी रेडी है। सो वी कैन सर्व इट विथ परांठा, चपाती, आप किसी के साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी लगता है।